एसईओ मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग जो भी है, ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग और वेबसाइट और एक तरह से प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग लेवल की चीज़ें हैं जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। सही है, आईटी से प्रोफेशनल आईटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप अपनी कवर आउट करेंगे। मतलब इसके अंदर अगर आपके लिए दिमाग में कोई सा भी फाइनेंस का भी सवाल या कुछ कंफ्यूजन है तो आप कुछ है मोहम्मद आपको समझ आ रहे हैं कि आप अब हमारे कोर्स में जो डिफरेंट एक चीज़ और थी जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सूट के अंदर तीन चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर। ये बच्चा इससे बाकी है कि ये तीन चीज़ें जरूर ये तीन चीज़ें रहती हैं। इसके बाद हम जाते हैं हमारे वर्ड के अंदर। हमारा आ जाता है कि हमने जितने भी हमारे लेटर राइटिंग से लेके यानी राइटिंग का हर चीज़ राइटिंग से लेकर हर चीज़ का आ जाती है। एक्सेल के अंदर हमारी सारी कैलकुलेशन वर्क शीट्स और जितनी हमारे अकाउंट्स की चीज़ों में या घर के राशन वगैरह की चीज़ों में उसका आराम से फॉलो आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक तरह से हमारी इसके अंदर न्यूमेरिक रिपोर्ट जितनी भी बनती है वो सारी एक्सेल के अंदर ये बेसिक लेवल। इसके बाद तो ऑब्वियस बात है आप इन सारी चीज़ों को प्रोग्राम के थ्रू अपनी तौर पे उसमें एडिटिंग कर सकते हैं या आप जिस तरह चाहें। इसके आगे पावर पॉइंट में जैसे भी हमने सूची को एक प्रेजेंटेशन देख लो पावर पॉइंट बनी हुई थी जो इजी टू कम्युनिकेशन होती है, जिसके थ्रू आप आराम से एक डिलीवरी कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन या अपना मैसेज। ठीक है, तो ये तीन पर्पज है। इसका हम शॉर्टकट करवा रहे हैं 2 मंथ्स का, जो सुबह में भी हो सकता है और शाम में भी है। वीकेंड्स की 20 को हम करवाएंगे, तो जिस तरह से ये स्लॉट्स पूरी होते रहेंगे उसको स्टार्ट करवा देंगे। ऐसा नहीं अगर आज हम स्टार्ट करवा रहे हैं तो वो 2 महीने बाद दूसरा स्लॉट स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं। अगर विदिन 10 डेज एक और स्लॉट पूरा जाता है 5-10 बच्चों का तो हम एक और स्लॉट स्टार्ट करवा देंगे। इस कोर्स के अंदर कोई भी बड़ा कोई भी छोटा 3 क्लास का 4 क्लास का मैट्रिक लेवल का हर बच्चा आ सकता है, क्योंकि आजकल बच्चों को सबको ईजीली कंप्यूटर चलाने आते हैं। बेसिक चीज़ है जो हर किसी के डेली लाइफ में उस तरह काम आती है। सही है, अब यहाँ तक तो हो गया। अब हमारे पास 2 कोर्स हमारे रहते हैं, एक वीडियो एडिटिंग का और एक ग्राफिक डिज़ाइन का। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आपको हम ही बताएंगे जो कि प्रोफेशनली इस बिजनेस में वर्कआउट कर। मेरा नाम मकाम उमर है और मैं तकरीबन 18 साल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे काम बैंक्स वगैरह के और अपना एजेंसी वगैरह के काम कर चुका हूँ मैं। तो ये है कि अभी मैंने आपको बताता हूँ। अब जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ है कि हाउ ह्यूमन थिंक, ये दिमाग का थोड़ा सा खेल है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। अब जैसे कि आप सोचते हैं कि एप्पल के तौर पे कि आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब मैं जैसे कि आपको बोलूँ कि वेब, तो आप सोचते हैं कि वेब, तो आगे बढ़ो। इसके अंदर हमारे पास हम सैम्पल्स बना सकते हैं, इसके अलावा बैनर्स वगैरह बना सकते हैं, किसी वेबसाइट के लिए हम एड्स बना सकते हैं। कोई भी आप वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं तो वेब डिज़ाइनिंग के अंदर सबसे पहले बेसिक चीज़ आ जाती है आपके बैनर्स। जो आप ऐड वगैरह लगा रहे हैं तो आप डिज़ाइन कैसे कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आजकल व्हाट्सअप वगैरह पे या फेसबुक वगैरह पे चल रहा है ये काम। तो आप इसके ऊपर एड्स वगैरह भी आपने देखे होंगे कि वेबसाइट के ऊपर एड्स वगैरह चल रहे होते हैं। अरे तो अब डिज़ाइनिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ये लाइनिंग है, शेप्स वगैरह है, सर्कल वगैरह है और हमारा स्क्वायर वगैरह आ जाते हैं। अब लाइन्स वगैरह जो है अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसके। अब सीधी लाइन होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है और शेप वगैरह होता है, या आप देख सकते हैं लाइन वगैरह। अब ये हमारा आ जाता है इसके अंदर, ये कलरिंग वगैरह है, ब्रश वगैरह है, टेक्सचर है और स्टाइल है। वो आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बनाना क्या चाह रहे हैं। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अब आपको फ्लावर बनाना है या कोई एनवलप या स्टार या दिल या कोई शेप वगैरह बनाना है, तो उस हिसाब से आप पहले सोचते हैं फिर उसके हिसाब से काम करते हैं। या हमारे शेप्स, इसके अलावा और शेप्स भी होते हैं अब जैसे कि ये शेप्स की अलग अलग कैटेगरी होती है। अब जैसे कि 2D है, 3D है, आजकल तो 7D भी चल रही है। तो 2D में आप सिंपल ही सामने की तरफ जो भी हो वो आप बना सकते हैं। 3D का मामला आया था, 3D की अलग एक पहचान है, वो बहुत डीप है। तो आप ये ग्राफिक्स में ये भी कर सकते हैं, कोई इसमें कोई मसला नहीं है। अभी हमारे पास है टेक्स्चर। टेक्सचर आप खुद भी बना सकते हैं, बाकी वेब से भी आप लेके उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जैसे कि ये है सिंपल, नो डाउट। एक ये है, ये कहाँ से जो नज़र नहीं आ रही। अब वेब डिज़ाइनिंग अलग हो जाती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग अलग हो जाती है। ग्राफिक्स के अंदर ये होता है कि वेब के अंदर जो हम शेप्स वगैरह या और कुछ चीज़ें लगाते हैं वो सबसे पहले हम ग्राफिक्स करते हैं। इसमें हमारा फोटोशॉप आया था, फिलियट आया था, कॉरल आया था, इलस्ट्रेटर आया था। डिज़ाइनिंग के अंदर ये होता है। अब जैसे कि ये चिमनी बनी हुई है, चिमनी बनी हुई है, ये आप फोटोशॉप पर भी बना सकते हैं, उसको आप फिलियट पर बना सकते हैं, इलस्ट्रेटर पर बना सकते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये चीज़ आप वेब के ऊपर नहीं बना सकते। बिफोर और आफ्टर में फर्क है, बिफोर में आफ्टर में ये फर्क है, ये इसमें नज़र नहीं आ रही है। ये टेक्सचर ये वाली प्लेन है, ऊपर वाली नीचे वाली टेक्सचर लगा हुआ है, जिसके अंदर आप बता रहे हो कि इसके ऊपर टाइल्स लगी हुई है, उसमें प्योरली ग्रे कलर होता है। सही है, इसके अंदर वाजे नहीं हो रहा, इसमें वाजे नहीं हो रहा है। आगे करो। जब आपके आया कि एप्लीकेशंस के जो सैम्पल्स होते हैं, जो आप वेब पे लगाते हैं या मोबाइल एप्लीकेशंस में आप डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि लोगोज होते हैं। अब ये लोगोज, ये भी आपको डीपली इसके अंदर ग्राफिक्स के अंदर सिखाएंगे। चलिए, ये बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग का मतलब ये है कि जैसे कि अब आप ये देख रहे हैं कि ये शेप्स आगे पीछे रखे हुए हैं, जैसे कि तस्वीरें वगैरह होती हैं, टेढ़ी होती है, सीधी होती है, उसके हिसाब से आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स कहलाती है। अब ग्राफिक्स में हमारे पास वेक्टर डिज़ाइनिंग, 2D डिज़ाइनिंग, 3D डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, डिजिटल बेस डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग डिज़ाइनिंग भी। इसके अलावा और मज़ीद भी हैं जो शो नहीं कर पाए। यह हमारे पास बेसिक सॉफ्टवेयर। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन वो इतने करामत नहीं है। एजेंसीज वगैरह या फिर आप अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए करना चाह रहे हैं तो ये सिंपल ही तौर पे ये आपको काम आ सकते हैं। फोटोशॉप का तो आपने नाम सुना ही होगा। इसके अलावा InDesign भी होता है। बस मैं आपको अपने जो मैंने मेल कर चुकी हूँ, मैं आपको अपने डिज़ाइन बताता हूँ जो मैंने अभी तक डिज़ाइन करे हैं पर्सनली।